कोविड संक्रमण के सक्रिय मामलों में लगातार कमी जारी। देश में कुल सक्रिय मामले घटकर हुए 24,95,591। रिकवरी रेट 89% से अधिक। पिछले 24 घंटों में आए 2,08,000 नए मामले, जबकि 2,95,955 मरीज हुए स्वस्थ। देश में टीकाकरण भी तेजी से जारी। अब तक 20,06,00,000 से अधिक वैक्सीन के डोज दिए गए। एनएचआरसी ने किसानों के आज हो रहे प्रदर्शन पर दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस। आंदोलन के दौरान कोविड नियमों के उल्लंघन की शिकायत के बाद भेजा नोटिस। प्रदर्शन स्थल पर कोविड नियंत्रण के उपाय के लिए उठाए गए कदमों का मांगा ब्यौरा। दिल्ली पुलिस ने कहा, सीमा पार प्रदर्शन में जाने की इजाजत नहीं। और खेलों में दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पदक किए तय। शिव थापा संजीत के साथ महिला वर्ग में साक्षी, सिमरनजीत और जैस्मीन ने भी पदक किया सुनिश्चित। और सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर यानी तूफान यास। शुरुआत कर लेते हैं और अब बात चक्रवाती तूफान यास। भीषण चक्रवाती तूफान यास ओडिशा के बालासोर तट से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में केंद्रित है। तूफान ने लगभग 9 बजे सुबह दस्तक दी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार तूफान के तट से टकराने की प्रक्रिया सुबह लगभग 9 बजे शुरू हुई। इस प्रक्रिया को पूरा होने में 3 से 4 घंटे का समय लग रहा है। तूफान का सबसे ज्यादा प्रभाव ओडिशा के बालासोर और भद्रक जिलों पर पड़ेगा। मयूरभंज जिले में तूफान की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है। तूफान यास के असर से ओडिशा के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक खुद इन तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस तूफान की गतिविधियों पर पारादीप स्थित डॉपलर मौसम राडार द्वारा निगरानी रखी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार भी इस तूफान पर करीबी नजर रखे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में भी इस तूफान के प्रभाव के चलते कई इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और सिक्किम में बारिश हो सकती है। यास से प्रभावित राज्य सरकारों ने किसी भी आपात स्थिति में इस तूफान से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए इंतजाम किए हैं। आपात राहत और बचाव की स्थिति के लिए एनडीआरएफ और नौसेना की टीमें भी तैनात की जा चुकी हैं। तो आज सुबह 9 बजे इस तूफान ने ओडिशा के तट पर दस्तक दी और जिसके बाद तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश देखने को मिली है। और इस तूफान के तट से टकराने के बाद की स्थिति के बारे में हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र से बातचीत की। आईएमडी चीफ एम महापात्र जो बात करेंगे साइक्लोन यास की और उसके लैंडफॉल के बारे में। सर, लैंडफॉल हो चुका है, कितना समय चलेगा ये लैंडफॉल की प्रक्रिया और हम क्या इसकी विंड स्पीड और इसका अभी आगे अगले 3-4 घंटे में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लैंडफॉल प्रोसेस अभी चालू है। ये चक्रवात अभी बालासोर के साउथ में तट को पार कर रहा है। विंड स्पीड इसका अभी 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा है, गस्ट में 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगले 3 घंटे के अंदर ये लैंडफॉल प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके बाद जब लैंड के ऊपर कम्प्लीटली ये सिस्टम चला जाएगा, धीरे धीरे वीक हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट शाम तक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा विंड्स रहेगा और रात तक नॉर्थ इंटर ओडिशा का जो इंटर डिस्ट्रिक्ट है उसमें रहेगा और जो वेस्ट बंगाल का जो एडजाइनिंग डिस्ट्रिक्ट है जैसे मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम, वहां भी विंड स्पीड ज्यादा रहेगा। जब बालासोर भद्रक डिस्ट्रिक्ट में विंड स्पीड 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद है, 24 परगना और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में विंड स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है और जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है
वहां भी 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड हो सकता है। दूसरे सभी डिस्ट्रिक्ट में विंड स्पीड 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। सर सिवियरिटी के हिसाब से बहुत कम, पहले हम एक्सपेक्ट करते 180 के ऊपर की विंड स्पीड एंड रेनफॉल एक्टिविटी। आपको लगता है कि जो आई है वो भी कन्वेक्शन क्लाउड से ढक गया, तो जो एक्सपेक्टिंग जो स्पीड है, एक्सपेक्टिंग डैमेज है, वो इस बार कम होगा इन कंपेरिजन टू व्हाट वाज प्रेडिक्टेड अर्लियर? या ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे तट को पार कर रहा है, फिर भी इसका जो विंड स्पीड है अभी लगभग 130-140 गस्टिंग से 150 होने का हम उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमारा उम्मीद था कि 185 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, मगर ऐसे इंटेंस नहीं हुआ और ये अच्छी की बात है। और इसका भी सूचना हम कल रात को दे दिए थे। एक्सपेक्टेड है कि इसके बाद ये डीप डिप्रेशन में कल तक बदल जाएगा, कल सुबह ये वीक होकर झारखंड में एक डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। तो ये थे आईएमडी चीफ एम महापात्रा जो बता रहे थे कि साइक्लोन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कल तक ये झारखंड में जाकर डीप डिप्रेशन में ये साइक्लोन तब्दील हो जाएगा। कैमरा मैन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पी के जेना ने चक्रवात यास के तटीय इलाके से टकराने के बाद के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस तूफान के कारण तटीय जिलों में काफी तेज गति से हवाएं चल रही हैं। साइक्लोन यास इज लर्न टू हैव स्टार्टेड द लैंडफॉल प्रोसेस एट अराउंड 9 o'clock। DGIMD हैज कंफर्म टू मी दैट लैंडफॉल प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड दिस लैंडफॉल प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉर 3 to 4 hours। सो इट्स एक्सपेक्टेड दैट बाय अराउंड 1 PM the tail end of the cyclone will also be completely moving to the landmass. This is making the landfall between Dhamra and Baleswar, little away from Dhamra towards Baleswar, most likely in that Remuna Baleswar southern block border somewhere. And it is moving in a north-northwesterly direction. It will continue to move in Baleswar district till afternoon. Around and thereafter it will enter into Mayurbhanj district. The wind is estimated to be right now around 120 to 140 kilometers per hour, and it is expected that this wind speed will continue in Baleswar district around 120 to 140 kilometers per hour. तो एक ही महीने में देश ने देखे हैं दो साइक्लोन्स, दो चक्रवाती तूफान, पहले ताऊते और अब यास। आज सुबह जब ये तट से टकराया तो इसके क्या प्रभाव रहा, उसके दृश्य हम आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरीके से धामरा बंदरगाह है जहां पर सुबह 9 बजे ये जब टकराया तो उसके बाद ऊंची हम देख रहे हैं किस तरीके से लहरें उठी हैं और ये पूरे तट के ऊपर यहां से टकराते हुए आगे बढ़ा है। और ये कहा गया है कि मौसम विभाग के द्वारा कि जिस वक्त ये तट से टकराया उस वक्त यहां पर लगभग 130-140 की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही थी और ये आप दृश्य देख सकते हैं कि किस तरीके से 2 से 4 मीटर ऊंची लहरें यानी समुद्र उफान पर नजर आ रहा है इन दृश्यों में। और यही दृश्य थे जो सुबह 9 बजे धामरा बंदरगाह पर नजर आए, लेकिन उसके बाद ये जब तूफान आगे बढ़ा तो ये आगे पश्चिम बंगाल तक भी पहुंचा और आप इस दृश्य में देख सकते हैं कितने उग्र लहरें हैं ये समुद्र की जो इस वक्त यहाँ पर इन दृश्यों में हमको दिखाती हैं कि एक तरीके से प्रकृति जब इस चक्रवाती तूफान का रूप धरती है तो किस तरीके का रौद्र रूप हमारे सामने नजर आता है। तो ऊंची लहरें जिन्होंने तट को तोड़कर जो अंदर आ गई हैं, दीघा में तो ये अंदर भी घुस गई हैं। भद्रक से ओडिशा से भी इसी तरह की खबरें आई हैं कि जो समुद्र का पानी है वो शहर में घुस गया, क्योंकि तेज रफ्तार के साथ हवाएं और तेज उग्र वेग के साथ जब समुद्र का पानी आगे बढ़ा तो वो शहरों को के अंदर भी घुस गया। और जब इतनी तेज हवाएं चलती हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ गिरते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, कच्चे घरों की छतें उड़ जाती हैं। और ये जो पानी है, ये जो समुद्र का उग्र रूप है, इसने जो तबाही मचाई है इसी के दृश्य हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जब चक्रवाती तूफान यास जो बंगाल की खाड़ी में पैदा हुआ और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने के बाद जब ये आगे बढ़ा तो ये आज सुबह 9 बजे ओडिशा के बालासोर के जाके टकराया और उस तट से टकराने के बाद ये आगे बढ़ा है। अब जबकि आगे बढ़ रहा है तो ओडिशा के ही अन्य जिलों में यानी भद्रक जिले से आगे मयूरभंज और अन्य जिलों की ओर ये आगे बढ़ रहा है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि ये जो ऊंचे वेग से जो तटीय इलाके में जो ये हमें तबाही देखने को मिली है
अब धीरे धीरे, क्योंकि इस वक्त ये लगभग एक बज चुका है और एक सवा एक बजे का वक्त है इस वक्त का लगभग, और इस समय कहा जा रहा है कि ये अब लैंडफॉल प्रोसेस पूरी हो गई है, जिसका मतलब ये होता है कि अब ये पूरा तूफान तट से टकरा के जो इसकी पूंछ होती है वो भी अब तट से आगे बढ़ चुकी है, यानी जमीन पर आ चुका है अब ये, और अब इसकी रफ्तार, हवाओं की रफ्तार भी कम हो गई है। जिस समय सुबह ये टकराया तब 130 140 की हवाओं की रफ्तार थी, लेकिन उसके बाद अब ये कम हो गई है, लेकिन फिर भी जब ये जमीनी इलाकों में आगे बढ़ता है तब नुकसान के और दृश्य नजर आते हैं, क्योंकि तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होती है, और जब तेज हवाओं के साथ तेज बारिश होती है तो नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं कैसे शहरों के अंदर पानी भर गया, और जब ये शहरों में पानी भरा है तो कितने कच्चे घर जो खासतौर पर तटीय इलाकों में बने होते हैं, मछुआरों के कच्चे घर बने होते हैं, वो सब तोड़कर ये पानी आगे बढ़ जाता है। तेज हवाओं से कच्चे घरों की छतें उड़ जाती हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, और ये सारा नुकसान जो इस तूफान यास से हुआ, पहले चक्रवाती तूफान ताऊते ने अपना नुकसान किया गुजरात में और अन्य राज्यों में, और आप देख सकते हैं सड़कें रुक जाती हैं, पेड़, घने पेड़ गिर जाते हैं, और इनको दूर करने के लिए ही एनडीआरएफ की टीमें हैं जो सड़क पर उतरती हैं, और सड़क पर उतर कर ये राहत कार्य आगे बढ़ाया जाता है। और इस वक्त इस चक्रवाती तूफान पर नजर रख रहे हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं दिल्ली से, तापस भट्टाचार्य हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे लेते हैं और उनसे जानते हैं क्या कुछ। तापस, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ये कि किस तरीके से, जैसे हमने देखा कि सुबह 9 बजे ये तट से टकराया, अब कहा जा रहा है कि इस वक्त तक लैंडफॉल की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, तापस ये जानना चाहते हैं कि अब यहां से आगे ये कौन कौन से जिलों की ओर बढ़ेगा, क्योंकि उत्तर उत्तर पश्चिम का रास्ता इसका बताया गया है, कौन से राज्यों में कौन कौन से स्थानों को प्रभावित करेगा, और इस वक्त कितना तेज रफ्तार है हवा की। जी बिल्कुल, मैं आपको पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो ये जो लैंडफॉल की जो पूरी प्रक्रिया थी वो खत्म हो चुकी है, और दूसरी चीज ये है कि इसकी जो आईएमडी से हमारी बात हुई थी उनके मुताबिक इसकी जो जो रफ्तार है, इसकी जो तीव्रता है, उसमें भी एक कमी देखने को मिली। अगले 3 घंटे में ये वेरी सीवियर से सीवियर कैटेगरी में, और उसके अगले 3 घंटे में वो सीवियर से साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में तब्दील हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि अगले 6 से 7 घंटे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट आईएमडी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी जो तीव्रता है, इसकी जो स्पीड है साइक्लोन की, वो जो अभी 120 130 चल रही थी वो कम होके कम से कम अब जाके साइक्लोनिक स्टॉर्म में ये तब्दील हो जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये इस वक्त जो है ये विजुअल्स हैं, ये आप जो रडार इमेजेस हैं खासतौर से ये इस वक्त दिखा रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर हम बात कर रहे थे ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है ये पर्टिकुलर ये जो बॉर्डर है ये तट है उड़ीसा का कोस्टल एरिया से टकरा के अंदर की तरफ मुड़ चुका है, और इस वजह से ये जो लैंडफॉल की जो पूरी प्रक्रिया है ये करीब 3 घंटे के करीब चली है, और इसके बाद ये खत्म हो गया है। और जो एक अहम चीज है इसमें कि अब ये इंटीरियर नॉर्थ इंटीरियर ऑफ उड़ीसा की तरफ चल पड़ा है, और अगले 6 घंटे 7 घंटे में कहा जा रहा है कि नॉर्थ उड़ीसा और इंटीरियर उड़ीसा की तरफ ये जो साइक्लोन है ये जाएगा, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारी बारिश देखने को मिलेगी, खासतौर से मयूरभंज के हैं, बालासोर की जो भी ऑलरेडी है, बाकी आसपास की जो जगह है उन जगहों पे भारी बारिश, और मेदिनीपुर, ईस्ट मिदनापुर, साउथ 24 परगना, इन जगहों पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। जो दूसरी अहम चीज़ है कि जो आईएमडी का मानना है कि कल आज रात या कल सुबह तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो अगले 6 घंटे में तब्दील हो जाएगा, ये डीप डिप्रेशन में तब्दील होगा आज रात या कल सुबह तक, और ये झारखंड और झारखंड के आसपास जो बिहार का जो इलाका है वहाँ पे भारी बारिश होने की आशंका है। तो कुछ जगहों पे अलर्ट भी जारी किया गया है आईएमडी के मुताबिक। और आपको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ फैटल में कैमरन की दिखाना चाहें, ये हमारा एक आईएमडी का एक ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक को अगर हम ध्यान से देखें इसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो साइक्लोन का जो ट्रैक है इस वक्त ये इंटीरियर की तरफ मूव कर रहा है। इस वक्त साइक्लोन का जो लैंडफॉल खत्म हुआ है वो इधर हुआ है, और ये इसके आसपास हम देखें तो इसके बाद ये जैसे मूव करेगा झारखंड की तरफ तो जमशेदपुर, रौरकेला, इस रांची, ये जो जितने भी जगह मेन सिटीज़ हैं उन पर इम्पैक्ट ज़रूर करेगा, और उसके साथ साथ बिहार
और बाकी आसपास की जो जगह है उन पे भी इम्पैक्ट करेगा। वेस्ट बंगाल का जो एक पार्ट है, जैसे बात कर रहे थे खासतौर से ईस्ट मिदनापुर, फिर जो साउथ 24 परगना जो बहुत बड़ी जगह है, उन जगह को भी ये जो ग्रीन एरिया आप देख पा रहे हैं, इस ग्रीन एरिया को अगर देखें तो उससे पता चलता है कि इसका इम्पैक्ट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आईएमडी के हवाले से अभी तक ये मिला है कि एक अच्छी खबर ये है कि जो साइक्लोन स्टॉर्म की जो स्पीड की बार बार ये बात कर रहे थे वो कम हुई है। पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 180 की तरफ इसकी स्पीड जाएगी, लेकिन पारादीप में जो डॉपलर रडार है उससे पता चला है कि इसकी जो तीव्रता में लगातार कमी आ रही है। इसका प्रॉपर आई भी नहीं बना था और इस वजह से कहीं ना कहीं इसकी जो स्पीड है पहले 180 के उसके बाद 130-135 और उसके अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 6 घंटे में ये 70-80 की स्पीड पे ये इसकी जो तीव्रता है धीरे धीरे इसकी साइक्लोन की रफ्तार कम हो रही है हवाले से। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ वापस। फिलहाल सीधे रुक कर रहे हैं हम बालासोर का ओडिशा में, जहाँ से हमारे संवाददाता ओपी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, आपने तो सुबह के वक्त भी देखे होंगे वो दृश्य जब ये तट से टकराया, उसके बाद किस तरीके से तबाही का नजारा, इस वक्त बालासोर में क्या स्थिति है, तूफान के बाद क्या आकलन किया जा रहा है नुकसान का? जी, ये बंगाल की खाड़ी में मध्य पूर्व में जो कम दबाव का क्षेत्र बन के एक जो चक्रवाती तूफान का महारूप लिया, वो सुबह 9 बजे पहले भद्रक में आया, फिर वहां से ये मयूरभंज होते हुए अभी दक्षिणी बालासोर का जो तटीय इलाका है वहाँ ये पहुँचा है और यहाँ इसका लैंडफॉल हुआ। तो इसकी वजह से चक्रवाती तूफान जब भी आता है तो कई तरह की आपदाएं भी अपने साथ लेके आता है, भारी तेज हवाएं और 4 से 6 फीट की ऊंची लहरें आने से जाहिर सी बात है कि जो तटीय इलाके हैं, रिहायशी इलाके, वहाँ पानी भर गया, वो आवागमन बाधित हो गया। इसके अलावा तेज हवाएं चलने से जो रोड और इसके आसपास जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो धराशायी हो गए और बहुत सारी जो रिहायशी घर हैं उनमें पानी आ गया। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें इसके पहले और बाद में सामने आई है। इन सभी दिक्कतों और चुनौतियों से निपटने के लिए NDRF और जो राज्य आपदा बल और जो रेस्क्यू की टीमें हैं, मेडिकल की टीमें हैं, वृक्षों की कटाई करने वाली टीमें हैं, बहुत सारी टीमें हैं जो अपने काम में लगी है, वो इसके ऊपर अपना काम कर रही है। और इन्हीं सभी विषयों पर अभी चर्चा करने के लिए हमारे साथ NDRF के डिप्टी कमांडेंट धनंजय कुमार मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे बात करवाऊंगा किस तरह ये इस टीम को लीड कर रहे हैं और ऑपरेशन को अच्छी तरह से अंजाम दे रहे और क्या क्या स्थितियाँ आ रही है जिसको ये करेंगे। जी धन्यवाद, मैं डिप्टी कमांडेंट धनंजय कुमार, मैं बालासोर में NDRF की 9 टीम के साथ यहाँ पे साइक्लोन से निपटने के लिए तैनात हूँ। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि कुल 52 टीमें NDRF की पूरे उड़ीसा में तैनात है, इसके साथ ओड्राफ जो स्टेट डिसास्टर से को रिक्वायरमेंट को मीट करती है उसकी टीमें, फायर सर्विसेज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कुल 404 टीमें उड़ीसा में साइक्लोन से निपटने के लिए तैनात की गई है। जैसा कि विदित है कि यहाँ से साइक्लोन क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे क्रॉस करने के बाद पहले हम लोग साइक्लोन आती है तो उससे पहले हम लोग इवैक्यूएशन का प्लानिंग होता है कि वार्निंग देते हैं, जहाँ अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे वार्निंग हम लोग देते हैं, इवैक्यूएट करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं। फिर जब साइक्लोन गुजर जाती है तो उसकी तेज हवाओं, उसके प्रभाव के कारण कई जगह बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ उखड़ जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, बिजली के तार टूट जाते हैं और लो लाइंग एरिया में जल जमाव, जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो वैसी स्थितियों से निपटने के लिए हमारी अभी टीम ऑन फुट पे ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। अभी कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि इस जगह पे पेड़ टूटे हुए हैं, तो हमारे वहाँ पे NDRF की टीम वहाँ पे जाकर पेड़ को ट्रिम करते कट करके रास्ता को क्लियर करता है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि रास्ता जो बाधित हो गई है उसको हटा दें और ताकि बैकअप हमारी आसानी से वहाँ पे जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे पहुँच सके, ये हमारी प्रायोरिटी होती है। जैसे अभी चांदीपुर में अभी जल भराव की स्थिति में वहाँ से 30-40 लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो NDRF अपनी बोट, अपने जो इक्विपमेंट के साथ, एसेसरीज के साथ वहाँ पे गई है और उसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से और अदर स्टेक होल्डर्स की मदद से हम लोग वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। यही हमारी पूरी तैनाती होती है। इसके बाद हम लोग कई चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे अभी बहंगा में एक दीवार गिर जाने से एक बच्चे की मौत हो जाती है तो उसको भी रेस्क्यू करते हैं हम लोग, उसको इवैक्यूएट करते हैं, तो जान माल की क्षति को मिनिमाइज करते हैं, ये हमारी प्रायोरिटी होती है NDRF की।
मयूरभंज में अभी सबसे ज्यादा बारिश हुई है, 340 मिलीमीटर वहां का एक कुसुमी ब्लॉक है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है, तो वहां पे किस तरह की स्थिति है और अब कैसे आपकी टीम वहां काम करेगी? जी, मयूरभंज में भी हमारी 9 टीम वहां पे तैनात है और अभी भी हमारी जो बटालियन हेडक्वार्टर में है वहां पे हमारी एक 6 टीम और उससे भी अधिक टीम की एक पूल रिजर्व पूल बनी हुई है, जहां भी जरूरत होगी वहां पे हम उसके मुताबिक वहां पे हम उसको तुरंत ही डिप्लॉय करेंगे। और अभी वहां पे जो टीम है अपनी सुपरविजन इंस्पेक्टर टीम कमांडर, वहां पे एक असिस्टेंट कमांडेंट भी तैनात हैं जो इस शिप को मॉनिटरली ऑब्जर्व कर रहे हैं और जहां पे जिसकी सुपरविजन की आवश्यकता उस लेवल से उनको उस चीज़ को कैटर कर रहे हैं। अभी जब ये यह चक्रवाती तूफान यहाँ से निकल के आगे बढ़ेगा और कल तक झारखंड इसके पहुँचने की संभावना, तो उसके बाद पोस्ट इम्पैक्ट क्या होते हैं जिन पर आपकी नज़र है, तो वो कौन कौन सी चुनौतियाँ जिनको आप देखेंगे यहाँ पे जनजीवन सामान्य हो और जो पुनर्वास किए उन लोगों को वापस अपने आशियाने ले जाना जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं? जी जी, ये रिहैबिलिटेट करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है। किसी के घर उजड़ जाते हैं, कच्चे मकान गिर जाते हैं, जल जमाव के कारण कई फसलों का भी नष्ट हो जाता है, तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और ये यहाँ की सरकार इस पे अपना अपने हिसाब से काम करेगी। हमारे NDRF पार्ट के हिसाब से जहाँ जो फंसे हुए हैं उसको जो हाई अथॉरिटी या दिशा निर्देश के अनुसार उसको वहाँ पे पहुँचाते हैं और जो हमसे सहयोग की डिमांड की जाती है मैं उसको भरपूर उनकी सहायता करता हूँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी कितनी टीमें ओडिशा में आपकी तैनात है और कौन कौन सी जगह डिप्यूट कर रखा आपने? 52 टीमें हैं, 52 टीम है, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, ये सब डिस्ट्रिक्ट, कुल 8 डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिप्लॉयमेंट है। ये चक्रवाती तूफान आया है, अक्सर इस तरह के तूफान आते रहते हैं, इससे पहले भी 1999 में सुपर साइक्लोन आया, फिर 2013 में, 14 में, 15, 16, 17, फिर 19 में और अभी ये, तो इस तरह के जो आते रहते हैं इनसे किस तरह निपटने की आपको रणनीति रहती है विपरीत परिस्थितियों में कि जानमाल कम से कम नुकसान और ज़्यादा से ज़्यादा तत्परता से काम किया जाए? जी, ये अभी जो हम लोग जिस स्थिति में खड़े हैं ये हमारी ऑपरेशनल है। जब ये ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है तो हमारा प्रिपेयरनेस का फेज शुरू होता है, तो प्रिपेयरनेस में हम अपनी ट्रेनिंग्स और केस स्टडीज पकड़ हम लोग अपडेट करते हैं अपने आप को और विभिन्न परिस्थितियों में उस चीज़ को अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। यही हमारा ये ओपी यादव होता है जो हमारा किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमको हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ओपी यादव, हम समझ सकते हैं कि NDRF जमीन पर काम कर रही है, क्योंकि जब चक्रवाती तूफान आ जाता है उसके बाद जब नुकसान होता है उसके बाद हालात सामान्य करने को लेकर चुनौतियों से निपटता है NDRF। आप रहे हमारे साथ, फिलहाल सीधे रुक कर रहे हैं हम आशुतोष मिश्रा का जो भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कह रखा है कि भाई कोशिश हो कि एक भी जान ना जाए, ऐसे में इतनी पुख्ता तैयारियों के साथ सरकार काम कर रही है, लेकिन अब मौजूदा स्थिति को लेकर भुवनेश्वर से क्या जानकारी आ पा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार हमें जो खबरें मिल रही हैं कंट्रोल रूम से लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं। आप ठीक कह रही हैं, मुख्यमंत्री लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पिछली रात भी, पिछली शाम भी उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की थी जिसमें मुख्य शासन सचिव और स्पेशल रिलीफ कमिश्नर मौजूद थे और मुख्यमंत्री तो हर रोज, बल्कि आप कहें तो घंटे, हर घंटे के बाद स्थिति का रिव्यू कर रहे हैं, बराबर उस पर नजर बनाए हुए हैं। और टीमें, जैसा अभी आपने सुना, 52 टीमें NDRF की, 66 टीमें ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की, 200 टीमें फायर सर्विसेज की और 180 टीमें जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। ये जितनी जैसे इक्विपमेंट की जरूरत होती है, इनको पेड़ काटना होता है, पोल काटने होते हैं, कहीं अगर बिजली वगैरह गुल हो गई उनको रिस्टोर करना होता है, या अगर पानी मिलने में कहीं किल्लत हो गई, पानी की सप्लाई कहीं रुक गई उसको रिस्टोर करने में जहां जरूरत होती है, इन सब के लिए टीमों को अपनी अपनी जगहों पर रखा गया है और लगातार उनको यहां से निर्देश दिए जा रहे हैं, भुवनेश्वर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। चूंकि लैंडफॉल की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है और ये लेकिन धामरा, मतलब पूरे भद्रक जिले में, बालासोर जिले पर अभी भी खतरा बना हुआ है। ये भद्रक से अब बालासोर की ओर रुख करके वहां से मयूरभंज होते हुए वो झारखंड की तरफ जाएगा, उसके प्रभाव में वर्षा जो है बहुत तेजी से होने वाली है। हवा जो है, हवा की स्पीड जिसकी बात शुरू में हुई थी, हवा की स्पीड उतनी नहीं, हवा की गति उतनी नहीं है, ये लोगों ने जरा राहत की सांस ली है क्योंकि उससे ज्यादा क्षति वगैरह होती है, लेकिन बारिश का खतरा बना हुआ है।
और हमने देखा कि मयूरभंज में जैसे एक जगह कुसमी जहाँ 304 मिलीमीटर की बारिश हुई, बालासोर में, जगत सिंहपुर में, केंद्रपाड़ा में ऐसी जगह है जहाँ 200-250 मिलीमीटर के ऊपर बारिश हुई। इनकी वजह से फ्लैश फ्लड्स का खतरा पैदा हो गया है। कहीं बहुत जगहों पे बालासोर में ऐसी जगह है, भद्रक में ऐसी जगह है जहाँ निचले रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है और वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। तो इन चीजों के लिए टीमें पूरी तरह से तैयार हैं और सरकार बार बार लोगों से भी अनुरोध कर रही है कि वो प्रशासन के साथ और इन टीमों के साथ का पूरा सहयोग करें ताकि उनकी उनकी जान माल की रक्षा हो सके और ये काम सफाई से हो सके। जी आशुतोष जी बने रही है हमारे साथ। फिलहाल तापस के पास एक बार जरूर चलना चाहेंगे। तापस, आपसे एक बार ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि अब ओडिशा में कहा जा रहा है कि दिन भर में तेज बारिश होगी, लेकिन तापस उसके बाद अब आगे जब जैसे से बढ़ेगा झारखंड और बिहार पर नजर रहेगी। कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के भी राज्यों में अब तेज बारिश आज के दिन कल तक हो सकती है। मौसम विभाग का अगले दो दिनों को लेकर क्या आकलन है? देखिए, पहली चीज तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ हमने जब आईएमडी के चीफ डीजी आईएमडी मोहपात्रा से बात की थी तो उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आज जैसे हम जब बात की कि ये जो साइक्लोन है इसका जैसे हमने ट्रैक दिखाया, ये धीरे धीरे करके झारखंड की तरफ मूव करेगा और झारखंड और उसके आसपास जो बिहार के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे आज रात से और कल सुबह कल भी इनफैक्ट नेक्स्ट 24 to 30 hours बारिश मतलब होने की संभावना है। इनफैक्ट कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा बारिश होने की भी संभावना है। कुछ अलर्ट जगहों पे झारखंड के अलर्ट भी जारी किया गया है आईएमडी की ओर से। जो दूसरी अहम चीज़ें मैं आपको भी बताना चाहूँगा, इस वक्त नेशनल फ्लड गाइडेंस बुलेटिन इशू किया गया है, उसके मुताबिक फ्लैश फ्लड की थ्रेट अभी थोड़ी देर पहले बात की जा रही थी फ्लैश फ्लड की, तो फ्लैश फ्लड थ्रेट की बात हो रही है और उसमें जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, कटक, भद्रक, जाजपुर, बालेश्वर, मयूरभंज और केंद्रपुर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्दर्न उड़ीसा के, इन जगहों पे अगले 6 घंटे में फ्लैश फ्लड की वार्निंग दी गई है। जैसे हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर जो हम दिखा रहे थे कि ये जो मार्क है, इस मार्क में जैसे ये नॉर्थ उड़ीसा से इंटर कर रहा है तो नॉर्थ उड़ीसा का जो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इस जगह पे भारी वर्षा होने की संभावना है, हेवी टू हेवी रेन, वेरी हेवी रेनफॉल की कुछ जगहों पे आशंका है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ध्यान में रख के फ्लैश फ्लड वार्निंग इशू की गई है। तो ये महत्वपूर्ण खबर है जो आपने दी है कि अभी अगले 5-6 घंटों में ओडिशा के कुछ जिलों में फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं। फिलहाल तापस, ओपी और आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ ये तमाम जानकारी जमीन से हमारे साथ साझा करने के लिए। और ओडिशा में तूफान ग्यास ने दस्तक दे दी है जिसके बाद अब एनडीआरएफ जमीन पर राहत और बचाव कार्यों को रफ्तार दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एस एन प्रधान जो डीजी हैं एनडीआरएफ के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रधान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सबसे बड़ी बात कि इस वक्त एनडीआरएफ को क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की कॉल्स आ रही हैं, किस तरीके का नुकसान हुआ है जिसके बाद अब एनडीआरएफ जमीन पर किस तरह राहत कार्य को रफ्तार दे रहा है, क्योंकि अब फ्लैश फ्लड्स की बात की जा रही है। बिल्कुल, ऐसा जो इनपुट्स जो मिल रहे हैं फील्ड से, जो हमारी टीमें जो बाहर निकल चुकी हैं और काम कर रही हैं, ओपन में काम कर रही हैं, तो उनका जो भी फीडबैक है वो ज़्यादा बारिश तेजी से होने की बात कही गई है और फ्लैश फ्लड के अलावा एक फ्लडिंग ये सी वाटर से भी हुआ है कोस्टल एरियाज में, बंगाल के भी जिलों में और उड़ीसा के कुछ इलाकों में जो फ्लडिंग हुई है सर्ज, स्टॉर्म सर्ज के वजह से, वो भी कहा जा रहा है। और हवाओं में जो तेजी थी जो प्रेडिक्ट किया गया था उसके अनुसार बहुत ज़्यादा तो नहीं रहा, 100 के ऊपर ज़रूर रहा, लेकिन 150-60 के आसपास जो होने की बात कही गई थी शायद उतना नहीं रहा, लेकिन अभी सिस्टम जस्ट लैंड के ऊपर आ गया है और अभी सिस्टम लैंड के ऊपर कुछ देर तक रहेगा और उसका असर भी रहेगा, इसलिए कुछ जगह जो है टीमें बाहर निकल कर भी काम नहीं कर पा रही हैं, इसका भी रिपोर्ट है। तो एक तरह से मुझे लगता है अगले दो तीन घंटे बहुत मायने रखते हैं, इसमें ये आकलन हो पाएगा कि नुकसान एक्चुअली कितना हुआ है और जानमाल की क्षति कितनी हुई है। ये थोड़ा सा समय अभी लगेगा, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ज्यादातर टीमें एनडीआरएफ के बाहर निकल चुकी हैं और काम कर रही हैं। जी,
यानी जो कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि ओडिशा के कुछ जिलों में अभी अगले 5-6 घंटों तक बहुत भारी बारिश हो सकती है, वो एक चुनौती रहेगी एनडीआरएफ के लिए। लेकिन साथ ही चूंकि 52 टीमें ओडिशा में तैनात हैं और बाकी टीमें अन्य राज्यों में भी तैनात हैं आपकी, इस वक्त के हिसाब से क्या जो स्टैंड बाय टीमें रखी गई हैं उन्हें भी उतारा जा सकता है, क्या कुछ आकलन है आपका? स्टैंड बाय टीमों की शायद जरूरत ना पड़े, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने इस बार जो आकलन किया था जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा टीमों को दिया था ताकि आपस में रोटेट हो सके। तो एक तरह से स्टैंड बाय भी बिल्ट इन है इस टीम के सिस्टम में, कॉन्फिगरेशन में, इसलिए मैन पावर की कमी नहीं है। और साथ में उड़ीसा बंगाल में साथ में पुलिस, स्थानीय पुलिस, स्थानीय होमगार्ड इत्यादि भी लगे हुए हैं, स्थानीय एसडीआरएफ भी है, तो इसलिए मैन पावर पर्याप्त है मेरे विचार से। कितना समय लगेगा और कितना नुकसान हुआ है एक्चुअली ग्राउंड पर, उसका आकलन थोड़ी देर में या कुछ घंटों में हो पाएगा और उसके बाद फिर काम पर लगना पड़ेगा। और ये 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटे तक भी काम करने की जरूरत पड़ सकती है या हो सकता है उससे ज्यादा भी पड़ सकती है। जी डॉक्टर प्रधान, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले साल भी अम्फन तूफान आया और ऐसे में एनडीआरएफ इतने तूफानों के बाद जो अनुभव है उसके आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि जब ये तूफान यास आगे बढ़ रहा है, इस तूफान के बाद जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है उसमें और साथ ही समान हालात को करने में एनडीआरएफ कितनी देर तक यहाँ पर जमीन पर काम करता रहेगा या फिर यूं कहें कि राज्य सरकार की मांग पर निर्भर करेगा? दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एनडीआरएफ तो राज्य सरकार को मदद करने के लिए जाती है और इसलिए वो हैंड होल्डिंग और साथ में रहने के लिए ही जाती है, और इसलिए रिस्टोर करने की दिशा में काम करना, नॉर्मल से रिस्टोर करना और आम नागरिकों के सेटिस्फैक्शन तक, संतुष्टि तक काम करना, ये हमारा ध्येय रहता है। लेकिन जो दूसरा इसमें जो पहलू है वो ये कि बशर्ते कि हमारी ज़रूरत कहीं और ना पड़ जाए, देश में कहीं और ना पड़ जाए, तो इन्हीं दोनों कारकों पर हमारा डिप्टेशन डिपेंड करता है कि कितना टाइम चलेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितना समय उड़ीसा एवं बंगाल में ज़रूरत पड़ेगी कि किस दिन तक रहने की ज़रूरत पड़ सकती है, कितना समय बिताना पड़ सकता है, उतने के लिए हम लोग तैयार होकर गए हैं और हम लोग अपना रोल निभाएंगे। जी चलिए, एनडीआरएफ बहुत ही बढ़िया काम करता है जब भी राहत और बचाव कार्य की बात होती है, और अब अगले चूंकि एक दो दिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहेंगे एनडीआरएफ के लिए, लोगों को बचाने के लिए, उनके पुनर्स्थापन के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रधान हमारे साथ मिड डे प्राइम में बात करने के लिए। और जब हम बात करते हैं चक्रवाती तूफान की, तो जाहिर है कि उससे रेलवे पर भी असर पड़ता है, उससे परिवहन पर असर पड़ता है, हवाई यात्राओं पर असर पड़ता है, उन्हें भी रोक दिया जाता है, रद्द कर दी जाती है, रेलें भी रद्द की जाती हैं, तो हवाई यात्राएं भी रद्द कर दी जाती हैं। और ऐसे में चक्रवाती तूफान यास की अगर हम बात करते हैं तो इसे देखते हुए भी पूर्वी रेलवे ने काफी इंतजाम किए और पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने ये बताया है कि कई रेलगाड़ियों को रद्द किया गया और साथ ही चक्रवात पर निगरानी रखने के लिए मुख्यालय स्तर और डिविजनल स्तर पर भी 24 घंटे चलने वाले नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। हम लोगों ने एक तो डेडिकेटेड राउंड द क्लॉक कंट्रोल रूम्स इस्टेब्लिश किए हैं जिसको सीनियर ऑफिसर्स मैन कर रहे हैं हेडक्वार्टर में भी और डिविजन्स में भी। इसके अलावा एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनें जो हावड़ा, मालदा या कोलकाता टर्मिनल से ओरिजिनेट होती हैं या जो इनकमिंग ट्रेन हैं उनको कैंसिल हम लोगों ने कर दिया है। उसके अलावा ये हमारे जो बहुत सारे यार्ड्स हैं जैसे टिकियापारा यार्ड है और कुछ जो EMU कार शेड्स हैं वो लो लाइंग एरिया हैं, वहाँ पर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होती है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे रेक्स को सेफर प्लेसेस में मूव कर दिया। ये थी बात तूफान यास की। अब नजर डाल लेते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह को आज संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। दुनिया भर के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धर्म गुरु इस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। अपने संबोधन में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलना जरूरी है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमें बौद्ध संस्थाओं से भी सहयोग मिल रहा है। PM ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतारने की बात कही।
द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध वॉज अबाउट पीस हार्मनी एंड को एग्जिस्टेंस टूडे देर आर स्टील फोर्सेज रिमेनिंग हुज एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन स्प्रेडिंग हेट टेरर एंड माइंडलेस वायलेंस सच फोर्सेज डू नॉट बिलीव इन लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स द नीड ऑफ द आवर इज फॉर ऑल दोज हु बिलीव इन ह्यूमैनिटी टू कम टूगेदर एंड डिफीट टेरर एंड रेडिकलाइजेशन। और पीएम मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें शांति और प्रेम के रास्ते पर चलने का संदेश दिया है। By studying the life of Lord Buddha, there is mention of the four sides. These four sides brought Lord Buddha face to face with human suffering. At the same time, it ignited within him the desire to devote his life to removing human sufferings. Lord Buddha taught भवतु सब मंगलम ब्लेसिंग्स कंपेशन एंड वेलफेयर ऑफ ऑल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कोरोना संकट के कहर का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया संकट में है। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना किया है और सारे देश मिलकर आज कोरोना से लड़ रहे हैं। The COVID-19 pandemic had not left us. Several nations, including India, have experienced a second wave. This is the worst crisis humanity faces in decades. We have not seen a pandemic like this for a century. This once in a lifetime pandemic has brought tragedy and suffering at the doorstep of many. The pandemic has impacted every nation. The economic impact is huge as well. Our planet will not be the same after COVID-19. In the times to come, we will certainly remember events as either pre-COVID or post-COVID. और इस मंच पर पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन अहम हथियार है। हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और वैक्सीन का काम भी जारी है। Over the last year, there have been many noteworthy changes as well. We now have a better understanding of the pandemic, which strengthens our strategy to fight it. Most importantly, we have the vaccine, which is absolutely important to save lives and defeat the pandemic. The emergence of a vaccine in a year of the pandemic striking shows the power of human determination and tenacity. और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है जो कोरोना काल में अहम भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिन रात सेवाएं दे रहे चिकित्सकों स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर तैनात अन्य कर्मियों को भी धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि कोरोना संकट काल में मेडिकल स्टाफ लोगों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ पीएम ने कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इंडिया इज प्राउड ऑफ आवर साइंटिस्ट हु हैव वर्क्ड ऑन द कोविड-19 वैक्सीन्स। थ्रू दिस फोरम आई वुड लाइक टू वंस अगेन सैल्यूट आवर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स frontline healthcare workers, doctors, nurses, volunteers who selflessly risk their lives
every day to serve others in need, to those who have suffered and lost their near and dear ones, I would like to extend condolences. I grieve with them. और देश में कोरोना संक्रमण की तस्वीर की बात करें तो कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है और इसके अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। देश में कुल सक्रिय मामलों में कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 2,08,921 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 2,95,955 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 24,95,591 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 4,157 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,11,388 हो गया है। और वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में कोविड टीकाकरण अभियान भी सुचारू रूप से चल रहा है। परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 20,39,000 से अधिक का टीकाकरण किया गया। मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 20 करोड़ 6 लाख से अधिक कोरोना टीकों की खुराक दी गई है। और केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी टीके की 22 करोड़ से ज्यादा खुराक उपलब्ध कराई है। अब तक राज्यों को कुल 22,59,880 टीकों की खुराक उपलब्ध कराई गई है। इसमें से बर्बादी सहित 20,13,74,636 खुराकों का उपयोग किया जा चुका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय कोविड रोधी टीके की 1,77,00,000 से अधिक खुराक उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल किया जाना है। और वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया है कि देश भर में कल तक कुल 33,48,11,496 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें से कल कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 22,17,320 नमूनों का परीक्षण किया गया। और मिड डे प्राइम में अब बात ताजा खबर की। देश के तमाम राज्यों में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है और राज्य सरकारें लॉकडाउन लगाकर उसको नियंत्रित करने में लगी हुई हैं। एक ओर तो ये तस्वीर है, वहीं दूसरी ओर देश के राजनीतिक दल ऐसे समय में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली की सीमा पर 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इस प्रदर्शन के आज 6 महीने का समय पूरा हो गया है। इसी मौके पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी हुआ है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सीमा पार कर प्रदर्शन में जाने की इजाजत नहीं होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, किसानों ने आज विरोध के लिए का ऐलान किया हुआ है, ऐसे में क्या खबर आ रही है, क्योंकि कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है और इसकी दस्तक इस आंदोलन पर भी मिल रही है। देखिए बिल्कुल ममता, आज इन्होंने एक प्रदर्शन की आज एक कॉल की थी और जो आसपास के ग्रामीण इलाके हैं वहां से किसान मोर्चा ने कहा था कि लोग दिल्ली की सीमाओं पर आएं और प्रदर्शन में हिस्सा लें। हालांकि बहुत ज़्यादा संख्या नहीं देखी गई क्योंकि सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम थे वो सीमाओं पर किए गए थे और पुलिस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब की तरफ से ज़्यादा जो लोग आ रहे थे या आने की संभावना थी उसको रोक दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को एक नोटिस जारी कर यह चिंता जाहिर की थी कि पिछले काफ़ी समय से जब पूरे देश के अंदर इस महामारी का हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में ये लोग काफ़ी बड़ी संख्या में एक साथ जुटे हुए हैं और वहाँ पर जो कोविड नियम है उनका कोई पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी मानवाधिकार आयोग के सामने एक शिकायत रखी गई थी और उसी शिकायत को ध्यान में रखते हुए तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया गया था। हमने ममता यहाँ पर देखा, इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, एक टेंट के अंदर 20-20 लोग यहाँ पर हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यही कहा था कि ये संक्रमण से ये किसान भी खुद ग्रसित हो सकते हैं और हमने पिछले दिनों में देखा भी कि कोरोना से कुछ लोगों की, किसानों की मौत भी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये किसान जब अपने गांवों में जाते हैं और वापस आते हैं तो NHRC ने कहा था कि ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण फैलने की और ज़्यादा संभावनाएं प्रबल होती हैं।
ऐसे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, आगे क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर नोटिस देकर 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। लेकिन हाँ, ये बात ममता जरूर है, पिछले काफी दिनों से इस तरह की खबरें लगातार यहाँ पर आते रही हैं। सरकार ने भी अपील की थी इन किसान संगठनों से कि आप अपने बीमारी के हितों को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, आप फिलहाल इसको स्थगित कर दें अपने धरना प्रदर्शन को, क्योंकि देश पूरा देश जो है महामारी से इस समय जूझ रहा है। ऐसे में किसान संगठनों ने कोई फैसला नहीं किया, बल्कि वो प्रदर्शन की कॉल करते हैं। ऐसे में ये बात बिल्कुल सामने आती है कि क्या ये किसान संगठन जो किसानों के नाम पर पिछले कई महीने से आंदोलन कर रहे हैं, कि क्या अब ये एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है? और इस तरह के प्रमाण उस समय काफी समय मिले जब ये किसान नेता पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, या जिला पंचायत के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए हैं वहां पर जाकर वो प्रचार करते हैं। ऐसे में क्या ये एक राजनीतिक आंदोलन बन चुका है? ये सबसे बड़े सवाल हैं। लेकिन किसानों को निश्चित तौर पर ये अपील बार बार की जाती रही है कि आप लोगों का ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और खुद की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को वापस लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसान अपना विरोध जरूर जता रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपदा के वक्त उनको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से हल दिया गया है और ऐसे में वार्ता ही एकमात्र रास्ता है कि इस विरोध को खत्म किया जाए। फिलहाल शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के। अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें व्यापार प्राइम। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में निवेश कोष को बढ़ावा देने के बारे में जरूरी सुझाव देने के वास्ते एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस 12 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कोटक महिंद्रा संपत्ति प्रबंधन कंपनी के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह करेंगे। ये समिति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में निवेश संबंधी वित्तीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने की सिफारिश करेगी। इस समिति में कोष प्रबंधन क्षेत्र के जानकार भी शामिल होंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ये समिति वैश्विक वित्तीय गतिविधियों की समग्र समीक्षा और उद्योगों के कार्य योजना के बारे में सिफारिशें करने के लिए गठित की गई है। IFSCA भारत में वित्तीय योजनाओं, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित करने और नियमित करने के लिए एकीकृत विनियामक के रूप में स्थापित किया गया है। कोष उद्योग पूंजी और निवेशकों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। अब देख लेते हैं खेल जगत की खबरें खेल प्राइम में। दर्शकों, क्या कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं आज बॉक्सिंग को लेकर? शुक्रिया ममता। खेल प्राइम में खबरों की शुरुआत करते हैं मुक्केबाजी से। दुबई में चल रही एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पदक पक्का कर लिया है। अनुभवी मुक्केबाज शिव थापा ने 64 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में कुवैत के नादिर उदाह को 5-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसी के साथ उन्होंने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 5वां पदक भी सुनिश्चित किया। 91 किलोग्राम भार वर्ग में संजीत ने भी सेमीफाइनल में स्थान बनाने में सफलता पाई। महिला वर्ग में साक्षी, सिमरनजीत और जैस्मिन ने सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक सुनिश्चित किए। हालांकि राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता मोहम्मद हसामुद्दीन द्वारा कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद उन्हें क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। बात करते हैं क्रिकेट की। इंग्लैंड न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 2019 ICC विश्व कप के फाइनल को न दोहराना पड़े, इसके लिए ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के ड्रॉ होने पर विजेता घोषित करने के तरीके की संभावना तलाश रही है। टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए तैयार की गई टेस्ट चैंपियनशिप का पहला फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से साउथैम्पटन में खेला जाना है। टेस्ट मैच ड्रॉ होने की स्थिति में ICC ने फाइनल मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप 2021 फाइनल के लिए रिजर्व डे पर काम कर रही है। बात करते भारोत्तोलन की। भारत के युवा वेटलिफ्टर जेरेमी लालरेनुंगा की ओलंपिक कोटा हासिल करने की उम्मीदों को मंगलवार को करारा झटका लगा, क्योंकि वह ताशकंद में चल रही जूनियर विश्व चैंपियनशिप में मामूली अंतर से पोडियम स्थान से चूक गए। जेरेमी को पिछले महीने यहां एशियाई चैंपियनशिप में घुटने में चोट लग गई थी।
इस साल 18 साल के खिलाड़ी ने इस मैच में 135 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 165 किलोग्राम सहित कुल 300 किलोग्राम भार उठाया। वह महज 1 किलोग्राम से 67 किलोग्राम भार वर्ग में तीसरे स्थान से पदक चूक गए। हालांकि 2018 के युवा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेरेमी अंतिम सूची बनाने तक अभी टोक्यो ओलंपिक खेलों की दौड़ से बाहर नहीं हुए हैं। बात करते हैं फुटबॉल की। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका कप का आयोजन अमेरिका में किए जाने की संभावना है। कोविड 19 के चलते पहले ही इस प्रतियोगिता में एक साल की देरी हो चुकी है। पहले इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से कोलंबिया और अर्जेंटीना को सौंपा गया था, लेकिन कोलंबिया में राजनीतिक उथल अस्थिरता के चलते उनको सह मेजबानी से हटा दिया गया। पर अब खबरें आ रही हैं कि दक्षिण अमेरिका की शीर्ष फुटबॉल गवर्निंग संस्था कॉनमेबोल अर्जेंटीना से भी इसको अब अमेरिका ले जाने की योजना बना रही है, क्योंकि जिस तरह अर्जेंटीना में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उसके चलते वहां आयोजन किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले 2016 में अमेरिका इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर चुका है। तो फिलहाल खेल प्राइम में इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक की तमाम खेल प्राइम की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर डाल लेते हैं नजर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आमने सामने मुलाकात करेंगे। यूक्रेन, साइबर सुरक्षा, मानवाधिकार और अमेरिकी चुनाव हस्तक्षेप से संबंधित मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि दोनों नेता 16 जून को जिनेवा में मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों देशों के शीर्ष नेता व्यापक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम अमेरिका रूस के बीच भविष्य में बेहतर संबंध की बहाली और स्थिरता चाहते हैं। ये वार्ता दोनों देशों के लिए चल रहे तनाव को खत्म करने और रिश्तों में सकारात्मक पहल को लेकर होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपनी मध्य पूर्व की यात्रा के दौरान मंगलवार को यरूशलम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। गजा के सत्तारूढ़ हमास आतंकवादियों के साथ संघर्ष विराम को मजबूत करने और तबाह फिलिस्तीनी एनक्लेव को मानवीय सहायता में मदद की पेशकश की। मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने कहा कि वॉशिंगटन हमास, इस्लामी शासकों और इसराइल के बीच संघर्ष विराम को बनाए रखने के प्रयासों के तहत गजा के पुनर्निर्माण के लिए समर्थन करेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर एक बड़ा पैकेज देने का वादा किया है। गौरतलब है कि 2014 में इसराइल फिलिस्तीनी शांति वार्ता विफल हो गई थी। President Biden asked me to come here today really for four reasons. First, to demonstrate the commitment of the United States to Israel's security, to start to work toward greater stability and reduce tensions in the West Bank and Jerusalem, to support urgent humanitarian and reconstruction assistance for Gaza to benefit the Palestinian people, and to continue to rebuild our relationship with the Palestinian people and the Palestinian Authority. Intense behind-the-scenes diplomacy led by President Biden, working very closely with the Prime Minister, helped produce last week's ceasefire. Now we believe we must build on it. That starts with the recognition that losses on both sides were profound. Casualties are often reduced to numbers. But behind every number is an individual human being, a daughter, a son, a father, a mother, a grandparent, a best friend. We too will give meaning to our commitment to our self-defense. If Hamas breaks the calm and attacks Israel, our response will be very powerful. And we have discussed ways of how to work together to prevent Hamas rearmament with the weapons and means of aggression. The second point is naturally is Iran. We discussed many regional issues, but none is greater than Iran. And I can tell you that I hope that the United States will not go back to the old JCPOA, because we believe that that deal paves the way for Iran to have an arsenal of nuclear weapons with international legitimacy.
We also reiterated that whatever happens, Israel will always reserve the right to defend itself against a regime committed to our destruction, committed to getting the weapons of mass destruction for that end. The third point is peace. We need to work together to expand normalization between Israel and the Arab and the Muslim world and deepen the peace treaties that we already have. और इसी के साथ मिडडे प्राइम में आज बस इतना ही. हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत. नमस्कार. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now.
Namaskar and welcome. You're watching Midday Prime. I'm Sakal Bhatt. And on the show this afternoon, we get to the latest updates from Cyclone Vyas hit zones. We're going to get you live reports from the critically hit zones. We will be talking live exclusively to DG NDRF on the show. And also, we'll be getting you a 360-degree update.